हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं कार निकाल लिया हूँ और मैं जा रहा हूँ कूलिंग पॉइंट, जो कि हमारे सेक्टर 4 में है। आप ये भी कह सकते हैं एक छोटा सा डैम है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। मैं, मेरा बेटा भी है, हालांकि बहुत सामने में इसलिए दिखाई नहीं देता होगा। देखो बेटा अभी खेल रहा है ये। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कूलिंग पॉइंट के लिए। चलिए फिर वहाँ चलते हैं और वहाँ वीडियो बनाएंगे। तो गाइस, निकल पड़ा हूँ सफ़र में। मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरा बेटा बेटी, आपकी भाभी, सब कोई निकल पड़े हैं और जा रहे हैं कूलिंग पॉइंट, जो कि हमारे बोकारो में है। और वैसे पड़ता है सेक्टर 4 में और सेक्टर 9 में, दो जगह से पड़ती है। ये बोकारो स्टील प्लांट का मेन गेट है, यहाँ से सब कोई वर्कर लोग जाते हैं आते हैं। ओबियसली डैम है तो चढ़ाई चढ़ना होगा, तो मैं अपनी कार लेके एकदम ऊपर तक जा रहा हूँ और काफ़ी बाइक भी लगा हुआ है और भाई लोग पहुँचे हुए हैं, कोई कोई दोस्त लोग। और मैं अपना पार्किंग लगा दिया हूँ यहाँ पे। आप देखिए कितना सुंदर से दिख रहा है हमारा कूलिंग पॉइंट और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस, यह है कूलिंग पॉइंट, छोटा सा डैम यही है हमारे बोकारो में है, जो सेक्टर 4 एरिया में आता है ये। और ये जो चिमनी देख रहे हैं, ये चंद्रपुरा पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन है चिमनी, अब यहाँ से दिख रही है। हालांकि ये पूरा पहले पानी हुआ करता था, पूरा पानी ही रहता था, पता नहीं अब कैसे इतना घास सारा पेड़ उग गया, पौधा सब। और ये हमारे बोकारो स्टील प्लांट का ब्लास्ट फार्नेस है, ये ब्लास्ट फार्नेस, ये पावर प्लांट, और भी और साइड है, ये CRM 3, CRM 1, सारा कुछ है यहाँ पे। मतलब पूरा अच्छा, चारों तरफ पानी पानी हुआ करता था, पता नहीं कहाँ से इतना घास हो गया पता नहीं, लेकिन ऐसे काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। छोटा सा मिनी डैम है ये आपका पानी आता है टेनू डैम से। टेनू डैम नहर किनारे किनारे आता है, ये कूलिंग पॉइंट है। ये पावर बोकारो स्टील प्लांट अपना स्टॉक रखता है पानी, कुछ भी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वही ये पानी को यूज़ किया जाता है। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, ये कूलिंग पॉइंट है हमारे बोकारो में, छोटा सा डैम है सेक्टर 9 में 4 में। और ये आती है आपका टेनू डैम से, पीछे टेनू डैम है, टेनू डैम से नहर के रास्ते होते हुए यहाँ आती है, क्योंकि ये BSL सारा स्टॉक ये पानी रखती है। BSL का जो भी प्रॉब्लम, मतलब स्टील के लिए पानी का जो यूज़ होती है, यहीं से लिया जाता है पानी। तो ये सारा कुछ स्टॉक है, जस्ट लाइक ए डैम है। और ये रोड बना हुआ है, इधर चल जाएगा आपका 9 के लिए। और ये छोटा सा गेट टाइप का है, मतलब जैसे पानी अगर ओवरफ्लो होगा तो उसमें से गिरता है। चलिए आप लोग को वहाँ से भी दिखाएंगे आप लोग को, अभी चल रहे हैं वहीं पे। अभी वैसे मौसम काफ़ी सुहाना है, शाम के 5 बज रहे हैं और अभी जा रहा हूँ फाटक के पास, वहाँ से आप लोग को दिखाऊंगा। और मेरी बेटी भी है साथ में, मेरा भांजा भी है। देखिए कितना बड़ा खाई है, इधर दिख नहीं रहा होगा लेकिन बहुत घना है खाई, बहुत ऊंचाई में है। हाँ, चोट तो लगी, देखो जा रहे अंदर। और जा रहा हूँ अभी फाटक के पास, पानी कभी भी यहाँ से ओवरफ्लो होती है तो इसी फाटक से, अंडरग्राउंड से वो पानी बाहर निकलता है। ये छोटा सा पहले और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था, पूरा पानी पानी दिखता था, पता नहीं हो सकता बरसात के कारण इतना पौधा वगैरह हो चुका है। यहाँ साइन बोर्ड भी दिया हुआ है, वर्जित क्षेत्र। और ये रहा आपका गेट,
यहीं से अंडरग्राउंड पानी जाता है। और इंजीनियर के कारीगरी देखिए, अदर डैम में देखिए बाहर से पानी फ्लो करता है और नदी के रास्ते से जाता है पानी, लेकिन ये जब ओवरफ्लो होता है अंडरग्राउंड जाता है, अंडरग्राउंड होते हुए अंडरग्राउंड से ही निकल जाता है वो पानी एकदम रोड उस पार, इससे पता नहीं चलता है। देखिए बहुत ज़्यादा गड्ढा है और यहाँ से देखिए जो दिख रही है हरा हरा घास हो गया, हालांकि इसी से पानी ओवरफ्लो होता है, अंडरग्राउंड पानी गिर जाता है और अंदर ही अंदर वो पानी बह जाता है। तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था, अभी तो मैं भी बरसात के कारण इतना ज़्यादा घास पौधा हो चुका है, फिर भी वो हरा हरा तो काफ़ी सुंदर भी दिख रहा है। यहाँ से हमारे BSL प्लांट भी दिख रही है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और अभी जा रहा हूँ दूसरे साइड से दिखाऊंगा आप लोगों को। ये तो कूलिंग पॉइंट का सेक्टर 4 के रास्ते से हम लोग आए थे, अब कूलिंग पॉइंट के जो ऊपर में रोड बनी हुई है, अब जा रहे सेक्टर 9 के तरफ, उधर पानी काफ़ी अच्छा है। रीज़न है कि सेक्टर 9 के जो बसंती मोड़ के आदमी लोग हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, वो आते हैं रेगुलर यहाँ नहाने के लिए। तो गाइस पहले हम लोग वहाँ थे, फिर धीरे 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 करके इधर आए, और मेरा भाई मेरा बेटा और सीन देख सकते हैं आप, इधर का क्लियर पानी है। देखिए वहाँ थोड़ा सा घास वगैरह था, उधर घास था, पूरा घास है, लेकिन इधर आपका एकदम क्लियर पानी है। यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा बोकारो स्टील प्लांट, पूरा ये बोकारो स्टील प्लांट ही है पूरा, आपका यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एंड होता है, यहाँ तक एंड होता है। यहाँ से पानी भी क्लियर है, आप यहाँ से नहा सकता है कोई भी, नहाता भी है भाई बंधु लोग सब कोई। शाम ढल चुकी है, शाम हो रहा है धीरे धीरे। अरे मेरा बाबू को नींद आ रहा है क्या? अरे चश्मा छीनेगा, रुको ना रुको ना। और थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे, मेरा बहन भांजा हुसैन हुसैन कादरी ये भी आया साथ में, अभी डैम के पास छोटा छोटा फिश है, वो बैठे हैं जस्ट डैम के पास और अच्छा लग रहा है। अरे क्या कर रही है डैम में, देखिए और मैं यहाँ डैम के पास बैठा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ऐसे लोग यहाँ आते हैं नहाते भी है, इसलिए पानी साफ़ सुथरा है। और ये कूलिंग पॉइंट दो तरफ से रास्ता है, एक से सेक्टर 4 की तरफ से और सेक्टर 9 की तरफ से, दो तरफ से आप यहाँ आ सकते हो। और ये आपका सेक्टर 4 से 1 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए काफ़ी अच्छा लगा, फैमिली के साथ आया था यहाँ मैं, आपकी भाभी मैं मेरा भाई सब कोई थे, और काफ़ी अच्छा लगा। आप चले अपने घर की तरफ, तो काफ़ी अच्छा लगा कूलिंग पॉइंट घूम के, जो कि हमारे बोकारो में है। पीछे बोकारो स्टील प्लांट का चिमनी दिख रही है, यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा। और वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।